हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आइलर्स फाइव फंक्शन। आज के वीडियो में अपन आइलर फाइव फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आइलर फाइव फंक्शन होता क्या है, इसको अपन कैसे नोट करते हैं और इसकी हेल्प से अपन कोई भी जो इंटीजर्स होते हैं उनके लिए अपन को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उसको अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइलर फाइव फंक्शन के लिए सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसका नोटेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। आइलर फाइव फंक्शन यानी आइलर फाइव फलन, तो आइलर फाइव फलन के अंदर क्या रहता है, इसको अपन फाइव एन से डिनोट करते हैं। इसे फाइव एन से दिखाते हैं। इसके अलावा जो इसके लिए जो अपनी वैल्यू होती है फाई एन होता क्या है एक्सेल में उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो फाई एन के अंदर एन जो इंटीजर्स होते हैं वो वैल्यूज होती है जो क्या कहलाती है अपनी, इसके एन के क्या हो, को प्राइम हो। अब को प्राइम को यानी सहभाज्य संख्या क्या होती है उसको अपन ने जब अपन प्राइम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और प्राइम नंबर के टाइप्स पढ़ रहे थे तब अपन ने देखा था कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आइलर फाइव फंक्शन के लिए अपना क्या रहता है आइलर फाइव फंक्शन, तो फाइव एन की जो अगर अपन डेफिनेशन देखें कि फाइव एन जो है यानी आइलर फलन जो है उसकी जो अपनी नोटेशन होता है वो किस तरह से होता है और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो किस तरह से होता है तो उसको अपन देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो डेफिनेशन है तो उसको अपन लिख लेते हैं, यदि n कोई पॉजिटिव इंटीजर कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तो n के लिए n के लिए जितनी भी अपनी को प्राइम नंबर्स होगी n के लिए सहअभाज्य संख्याएं फाई n के द्वारा फाई एन के द्वारा दिखाते हैं, यानी एन के कितने को प्राइम नंबर होंगे उसको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन के लिए यहाँ पर कितने को प्राइम नंबर यानी इसके लिए ऐसी कौन सी संख्याएं होती है, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। पहले तो अपन को प्राइम नंबर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जी सी डी जो होते हैं, जैसे एन के लिए मैं एन के साथ में वो वैल्यू ले हूं जिनके लिए जी सी डी जो है वो क्या आ जाए, मेरा वन आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एन लिया है सिक्स। ठीक है, तो n का जब मैं 1 के साथ देखूंगी तो GCD आएगा 1, n का जब मैं 2 के साथ GCD देखूंगी तो आएगा 2। तो ये यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर ये 6 और 2 जो है वो यहाँ पर को प्राइम नंबर नहीं होंगे, 6 और 1 जो है वो क्या हो जाएंगे को प्राइम। जिनका GCD 1 आ जाता है यानी HCF कह दो GCD कह दो, अगर इनका क्या आ जाए GCD 1 आ जाए देन वो क्या होते हैं को प्राइम नंबर से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n n के लिए ऐसे और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो क्या होना चाहिए, n से छोटी होनी चाहिए। जितनी भी अपनी को प्राइम नंबर्स आते हैं वो सभी के सभी को प्राइम नंबर क्या होने चाहिए, n से लेस देन होते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल की हेल्प से अपन समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फाइव ऑफ सेवन निकालना है मुझे, फाइव ऑफ सेवन, तो फाइव ऑफ सेवन, सेवन का आप वन के साथ जी सी डी देखो वन आएगा, सेवन का आप टू के साथ देखो तो भी क्या आएगा वन आएगा, सेवन का थ्री के साथ देखोगे तो भी वन आएगा, सेवन का आप फोर के साथ देखोगे तो वन, फाइव के साथ भी वन, सिक्स के साथ भी वन। ठीक है, सेवन का सेवन के साथ में क्या आ जाएगा, सेवन आ जाएगा जी सी डी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं, इससे लेस देन जो वैल्यूज होती है, ठीक है, ये खुद उसमें काउंट नहीं होती है, उससे लेस देन जितनी भी वैल्यूज होती है वो सब क्या होते हैं इसके फाई एन के अंदर यहाँ पर काउंट होते हैं। इसके जितने भी को प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, अपन फाई एन के द्वारा डिनोट करते हैं। एन के जितने भी अपने को प्राइम नंबर्स होते हैं उनको अपन फाई एन से डिनोट यानी आइलर फंक्शन से डिनोट करते हैं, आइलर फाइव फंक्शन से। जैसे ही मैं यहाँ पर बात करूँ मैं टेन की,
ठीक है, मुझे 10 के लिए देखना है, तो 10 के लिए 5 फंक्शंस, 10 का 1 के साथ 1 होगा, 10 का 2 के साथ क्या होगा, हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा, 10 का 3 के साथ देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 का 4 के साथ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वो भी नहीं होगा, 10 का 5 के साथ 5 आ जाएगा, 10 का 6 के साथ 2 आ जाएगा, 10 का 7 के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 10 का 7 के साथ, 8 के साथ भी आएगा कुछ ना कुछ, और 10 का 9 के साथ भी क्या नहीं आएगा, 1 आएगा, तो इसके लिए जो कोप्राइम नंबर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जरूरी नहीं हो जितनी बड़ी संख्या हो उसके लिए कोप्राइम नंबर उससे ज्यादा हो, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर अपन ने जीसीडी जिसके लिए 1 आ जाए देन वही अपना क्या होता है वहाँ पे कोप्राइम नंबर्स के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अपन जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपकी जो इसको और ये तो है छोटी संख्याओं के लिए, अब अगर इसी चीज को अपने को बड़ी संख्याओं के लिए दिखाना हो तो बड़ी संख्याओं के लिए अपन कोप्राइम नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको अपन यहाँ पर एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 1000 दे दिया कि 1000 के लिए 1000 के लिए कितनी सहअभाज्य संख्या होगी, कितने कोप्राइम नंबर होंगे, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब 10 तक के लिए तो अपन यहाँ पे एक से लेके 1000 तक के तो अपन काउंट करने बैठ गए तो अपने को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। हालांकि उसे काउंट कर सकते हैं लेकिन उसमें अपने मिस्टेक के चांस रहते हैं, प्लस जो अपना टाइम होता है वो भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो इसके लिए क्या रहता है, एक फॉर्मूला रहता है। सबसे पहले जो भी अपने को गिवन वैल्यूज होती है उसको अपने को प्राइम फैक्टर करने हैं, उसके क्या करने होते हैं, प्राइम फैक्टर से करने होते हैं। तो मैं क्या कर लेती हूँ, 1000 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालती हूँ। तो जब मैं 1000 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालूंगी तो 1000 के प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे मेरे यहाँ पर, वैल्यूज अपन फाइंड करते हैं और फिर उसकी हेल्प से अपन देखते हैं कि 1000 के पहले प्राइम फैक्टर निकालें। तो 1000 के प्राइम फैक्टर अपन प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हैं, अपन सभी जानते हैं इससे। तो 2 से किया 500, वापस 2 से तो कितना हो जाएगा 250, फिर से 2 से तो आ जाएगा 125, अब 5 से होगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो P की जो वैल्यूज आई है इसके हिसाब से अपन इसको यहाँ पर तोड़ने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से इसको अपन तोड़ेंगे, यहाँ पर जो जितनी भी वैल्यूज के अंदर ये क्या करता है, टूटता है, ठीक है। जितनी वैल्यूज के अंदर टूटता है तो फाई एन की क्या हो जाती है, उतनी यहाँ पर वैल्यूज जो है यहाँ पर डिफाइन हो जाती है। देखिए कैसे, तो अब यहाँ पर जैसे, तो इसके लिए फाई एन लिखने का तरीका क्या होता है, एन 1 − 1/P1 × 1 − 1/P2 × 1 − 1/P3। अब P1, P2, P3 क्या है, ये यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो इसके हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3, तो यहाँ पे P1 पे 2, P2 पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे इंटू में क्या रहता है अपना एन रहता है। तो अपन 1000 के लिए देखें तो कितना आ जाएगा, 1000 × 1 − 1/2 हो जाएगा, P1 की जगह अपन 2 पुट करेंगे, ठीक है, और P2 की जगह क्या पुट करेंगे, 1 − 1/2 यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे अपन, सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ 1000 है अपना, यहाँ पर आ गया 1 − 1/2, 1/2 आ जाएगा, और 1 − 1/5 कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अब देखिए इसको अपन काट दें तो 10 कट हो जाएगा, 100 × 4 कितना हो जाएगा मेरा, 400 यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी कितनी कोप्राइम नंबर्स अपने को मिलेगी यहाँ पे, 400 इसकी, 1000 के लिए अपनी कितनी कोप्राइम नंबर्स मौजूद होती हैं, 400 कोप्राइम नंबर्स जो हैं वो उसके यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं। 5n की हेल्प से अपन किसी भी बड़ी संख्या के लिए कितने कोप्राइम नंबर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे उसको यहाँ पर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं,
ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल की हेल्प से, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से रीड करिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से अपन है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपन एक और एग्जाम्पल इसके लिए देख लेते हैं। इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज भी रहती है, प्रॉपर्टीज अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन उनको नहीं देखेंगे, अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ यही है। एक आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट और है, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो आयलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में होता है, ए वाई एन कॉन्ग्रुएंस वन मॉड्यूलस एन, इस तरह से अपना जो है ये किसका स्टेटमेंट होता है, ये अपना आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, आयलर थ्योरम के स्टेटमेंट को अपन इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है अपना, उसको अपन देखते हैं एक और एग्जांपल की हेल्प से, इसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है, जैसे अपने को गिवन है 3600 अगर अपने को गिवन है, और उसके लिए अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि इसकी कितनी कोप्राइम नंबर्स होगी, तो उनको अपन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 3600 के लिए कितनी कोप्राइम नंबर होगी, कितनी सह अभाज्य संख्या होगी। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे अपन, 360 के सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो अपने वैल्यू क्या आ जाएगी, अपनी वैल्यूज को पहले अपन इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स से अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 to the power 2, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी हेल्प से अपन फाई एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फाई एन, एन की जगह कितना है अपना 3600, ये वैल्यू है। जब इसको अपन वापस लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 1 − 1/2, 1 − 1/3 और 1 − 1/5, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 × 2/3 × 4/5, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 से ये कितनी बार कटेगा, 1200 बार, ठीक है ये कट गया, और ये 5 से कटेगा 8 times। ठीक है, तो ये कितना यहाँ पर, जो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर जो इस जब इसको अपन सरल करेंगे, ठीक है, तो सरल करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 960 जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत कट कर दिया अपन ने, इसको जब अपन 5 से काटेंगे तो अपना ये कितनी बार जाएगा, 2 और ये जाएगा 240, और इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमने आ जाएंगे 960। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो आयलर फाइव फंक्शन होता है उससे अपन किसी भी नंबर के लिए कोप्राइम नंबर्स को यहाँ पर अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आयलर फाइव फंक्शन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, जिसकी हेल्प से अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको अपन ने आज की वीडियो में देखा है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।